हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज की क्लास में हम 1 जनवरी 2022 से 6 जनवरी 2022 के बीच में जितने भी सीटेट के क्वेश्चन पेपर पूछे गए थे, उन सभी में ईवीएस के जो भी क्वेश्चन आए थे, उन सभी को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ असेसमेंट ऑफ ईवीएस लर्निंग, यानी ईवीएस लर्निंग में जो असेसमेंट किया जाता है उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है। ऑप्शन आपके सामने और आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा। पहला कह रहा है कि टीचर गेदर्स इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट्स अचीवमेंट, यानी शिक्षक छात्रों की उपलब्धि के बारे में जानकारी एकत्र करता है। ऑप्शन सही है, यानी सही बोल रहा है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। सेकंड ऑप्शन कह रहा है इट इज अ वे ऑफ टीचिंग रेदर देन इवेल्युएशन, यानी यह मूल्यांकन के बजाय शिक्षण का एक तरीका है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर हम असेसमेंट की बात करते हैं तो ये इवेल्युएशन का ही एक पार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि इट प्रोवाइड्स फीडबैक अबाउट स्टूडेंट्स प्रोग्रेस इन मास्टरिंग न्यू नॉलेज। हम कभी भी मास्टरिंग की बात नहीं करते, महारत हासिल करने की बात नहीं करते, यानी थर्ड ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन की बात करते हैं। फोर्थ कह रहा है कि इट इन्फॉर्म्स अबाउट स्टूडेंट्स लर्निंग टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट स्टेप, इसके भी बाद हम ईवीएस में नहीं करते असेसमेंट करते किस समय। तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, यानी फर्स्ट सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी बच्चे का हमें डायनामिक, होलिस्टिक एंड एक्सपीरियंसल असेसमेंट करना है, तो इनमें से कौन सा टूल सबसे बेस्ट रहेगा। ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो यहाँ जो आपका थर्ड ऑप्शन है, ऑथेंटिक असेसमेंट स्ट्रेटजीज, सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ थर्ड ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा जानवर है जिनके सामने के दांत जीवन भर पड़ते रहते हैं। एनसीईआरटी में ऐसे दो जानवरों के बारे में बताया गया है जिनमें से पहला है आपका गिलहरी, दूसरा है चूहा। अगर ऑप्शन की बात करें तो यहाँ गिलहरी दिया हुआ है, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रोलैंड रॉस जो एक वैज्ञानिक थे, उन्हें 1902 में नोबेल पुरस्कार दिया गया चिकित्सा के क्षेत्र में, उन्होंने ऐसी कौन सी खोज की थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो जो रोलैंड रॉस जी थे, उन्होंने बताया था कि जो मलेरिया होता है वो मच्छर के काटने से फैलता है, यानी मलेरिया मादा मच्छर इनाफिलीज के काटने से फैलता है, ये सबसे पहले रोलैंड रॉस जी ने बताया था, जिस वजह से इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। जब इन्होंने डिस्कवरी की थी, यानी 20 अगस्त 1897 को इन्होंने ये डिस्कवरी की थी, और इसी दिन वर्ल्ड मॉस्किटो डे के रूप में भी इस दिन को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो पश्मीना ऊन होती है, यानी जो पश्मीना ऊन बनाई जाती है, वो किस जानवर से बनाई जाती है। ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है कि राइट ऑप्शन कौन सा होगा। तो यहाँ जो थर्ड ऑप्शन है, बकरी, ये एकदम सही हो जाएगा। पश्मीना ऊन पश्मीना बकरी से बनाई जाती है, यानी उसके बालों से। यहाँ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दी गई है। ये जो पश्मीना बकरी है, यानी ये जो इस प्रजाति की बकरी होती है, ये चांगथांग पठार में पाई जाती है, जो आपका तिब्बत पठार का एक एरिया है, यानी वहीं आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग मच्छरों से फैलता है। ऑप्शन आपके सामने है। मलेरिया की बात करें तो मच्छरों के काटने से फैलता है, निमोनिया ये दूषित पानी की वजह से फैलता है, डेंगू भी मच्छर के काटने से फैलता है, और चिकनगुनिया भी मच्छर के काटने से फैलता है। यानी ए सी डी किसमें दिया हुआ है, थर्ड में, थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। यहाँ कुछ अदर बीमारियां, मतलब कि अदर डिसीजेस के बारे में दिया गया है जो मॉस्किटो के काटने से फैलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक ईवीएस कक्षा को हैप्पी क्लासरूम आपको बनाना है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा, यानी एक ईवीएस क्लासरूम को हैप्पी क्लासरूम बनाने के लिए आप क्या करोगे, क्या होना चाहिए। पहला कह रहा है कि टीचर रिमेंस हैप्पी इन द क्लास एंड स्टूडेंट्स फॉलो हर इंस्ट्रक्शन हैप्पीली, ये क्या होगा। इतना ज्यादा ऑथेंटिक नहीं है, सही है बट इतना ऑथेंटिक नहीं है कि किसी कक्षा को आप हैप्पी क्लास तभी कहेंगे जब टीचर बहुत खुश हो। इस क्वेश्चन कह रहा है कि एडमिनिस्टर स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन सो दैट दे रिमेन फोकस्ड इन रिटेन वर्क्स। हम कभी भी स्ट्रिक्ट, कभी भी हम कठोरता की बात नहीं करते, सख्त अनुशासन की बात नहीं करते, तो सेकंड क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। थर्ड कह रहा है ऑब्जर्व एक्सप्लोर आस्क क्वेश्चन एंड डू एक्टिविटी। एक ऐसी क्लासरूम जिसमें ऑब्जर्वेशन होता हो, एक्सप्लोर किया जाता हो चीजों को, बच्चे क्वेश्चन पूछते हो और एक्टिविटीज करते हो, तो ये ऐसी क्लास क्या कहलाएगी, एक हैप्पी क्लासरूम कहलाएगी। थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ड्यूमोंट, ये भी एक वैज्ञानिक थे, इनके जो भी इन्होंने डिस्कवरी की, जो भी एक्सपेरिमेंट किए, उसको ईवीएस की टेक्स्ट बुक में इन्वॉल्व किया गया है, तो इसको इन्वॉल्व करने का जो एक सीक्वेंस है उसको आपको बताना है।
यानी वैज्ञानिक पद्धति के नीचे दिए गए चरणों को उचित क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। ऑप्शन आपके सामने है और आपको बताना है इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। तो सबसे पहले अगर टीचर आपसे कहे कि आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे, चीजों को ऑब्जर्व करोगे। तो यहाँ सबसे पहले हो जाएगा सिक्स, फर्स्ट गलत, सेकंड गलत, सिक्स दिया हुआ है थर्ड एंड फोर्थ में। अवलोकन करने के बाद आप क्या करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, यानी इसके बाद आएगा थर्ड, फिर इसके बाद आ जाएगा आपका एक, आप हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, एक प्रडिक्शन बनाएंगे, फिर प्रडिक्शन को चेक करेंगे, फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आएंगे उनको रिकॉर्ड करेंगे। यानी जो सही सीक्वेंस होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 6 3 2 5 4 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ईवीएस पाठ्य पुस्तक छात्रों का समर्थन करती है, किस चीज में समर्थन करती है, मेमोराइजेशन के लिए नहीं। डिस्क्राइब द इशू एंड कंसर्न ऑफ ईवीएस सब्जेक्ट, बोल सकते हैं कंस्ट्रक्ट नॉलेज थ्रू ऑल इशूज, यानी सभी मुद्दों के माध्यम से ज्ञान का निर्माण करना। ये ऑप्शन सबसे ऑथेंटिक लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। फोर्थ कह रहा है रिस्पॉन्स टू द इशूज एंड कंसर्न ऑफ ईवीएस सब्जेक्ट, इन सभी ऑप्शन में थर्ड आपका सबसे ज्यादा बेस्ट लग रहा है, तो बेस्ट ऑप्शन के साथ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि जो मगरमच्छ होता है वो मुख्य रूप से शिकारियों द्वारा मारे जाते हैं, किस चीज के लिए मारे जाते हैं, सींगों के लिए, सींगों के लिए एक सींग वाले गैंडे को मारा जाता है, त्वचा के लिए मगरमच्छ और सांपों को मारा जाता है, दांतों के लिए हाथियों को मारा जाता है, और खुशबू के लिए किसको मारा जाता है, जो आपकी कस्तूरी मृग होते हैं उनको मारा जाता है। तो यहाँ मगरमच्छ के बारे में पूछा है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा फॉर इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं, किस पर्पज के लिए इनका शिकार किया जाता है, ये भी यहाँ मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि जो ट्रेन में, ट्रेन का अगर आपने टिकट देखा होगा तो ऐसा कुछ टिकट होता है ट्रेन का, इसमें पीएनआर नंबर लिखा होता है, ये पीएनआर नंबर किस चीज को दर्शाता है, दर्शाने की बात की गई, फुल फॉर्म की नहीं। अगर हम फुल फॉर्म की बात करेंगे तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा पैसेंजर नंबर, सॉरी नेम रिकॉर्ड, लेकिन अगर हम ये बात करेंगे कि ये किस चीज को दर्शाता है, तो यहाँ आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा पैसेंजर नंबर रिकॉर्ड, ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अगर कभी आपसे ये पूछ लिया जाए कि जो पीएनआर नंबर होता है वो कितने डिजिट का होता है, तो याद रखिएगा 10 डिजिट का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिट्टी के बर्तनों को मजबूत बनाया जाता है किसके द्वारा, बेकिंग द्वारा, गलाने के द्वारा, भूनकर या जलने से। यहाँ जो फर्स्ट ऑप्शन है सही हो जाएगा, मिट्टी के बर्तनों को क्या किया जाता है, आग में बेक किया जाता है जिससे इन्हें मजबूती मिलती है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दूसरों से अलग है, नदी, पहाड़, झील, तालाब एंड स्प्रिंग या बसंत। तो अगर हम पहाड़ की बात करें तो पहाड़ इन सभी से डिफरेंट है, क्यों, क्योंकि अदर तो वाटर बॉडीज हैं लेकिन पहाड़ वाटर बॉडीज नहीं है, तो यहाँ हम सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, पहाड़ इन सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक चुनौती क्या है, परिभाषाएं और जानकारी, जी नहीं, आप आए बच्चे को आपने डेफिनेशन बता दी, इन्फॉर्मेशन दे दिया, ये तो कोई चुनौतीपूर्ण कार्य आपने किया नहीं। रटना सिखाना, आपने बच्चे को मार मार के रटना सिखा दिया, तो ये भी कोई चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं है। डिस्क्रिप्शन ऑफ कॉन्सेप्ट, आपने कॉन्सेप्ट का डिस्क्रिप्शन बच्चों को दे दिया, डिस्क्राइब कर दिया, तो ये भी कोई चुनौतीपूर्ण कार्य नहीं होगा। लेकिन बच्चों के लिए खुद को व्यक्त करने के अवसर प्रदान करना, ये सबसे ज्यादा चैलेंजिंग है, तो यहाँ फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निस्ट में कह रहा है कि सोशियो कल्चरल इशूज रिलेटेड टू वाटर थीम कैन बी इफेक्टिवली लर्न थ्रू, यानी कि इनमें से किसके द्वारा जल विषय से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है, रोल प्ले, हाँ सीखा जा सकता है, छात्रों के बीच वास्तविक संवाद, इससे भी हो सकता है, फील्ड ट्रिप सबसे ज्यादा ऑथेंटिक, और उसके बाद प्रदर्शन और घर का काम, आपने होमवर्क दे दिया, बच्चा ढंग से कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, सीख पा रहा है नहीं सीख पा रहा है, आप ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो यहाँ जो सही ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, ए बी एंड सी, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है लर्निंग ऑफ ईवीएस इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ, यानी कि जो ईवीएस में लर्निंग की जाती है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है, सरल से कठिन की ओर। कभी भी हम बच्चे को कठिन से सरल की तरफ नहीं सिखाते, पहले उसको इजी चीजें सिखाते हैं, सिंपल चीजें सिखाते हैं, फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स में जाते हैं। सबसे पहले लोकल चीजें सिखाते हैं, फिर उसके बाद ग्लोबल सिखाते हैं। कॉन्क्रीट मटेरियल्स यानी जिन्हें वो देख सकते हैं, उन चीजों को पहले सिखाते हैं, बताते हैं उनके बारे में, फिर उसके बाद ऑब्स्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं कि तरुण भारत संघ एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कंजर्वेशन ऑफ वाटर पे काम करती है, तो
इसमें पूछ रहा है कि इस संगठन का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन है, यानी इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने तरुण भारत संघ की स्थापना की, जो इसकी नेतृत्व करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह इसके संस्थापक है, इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। ये इमेज आप देख रहे होंगे, ये राजेंद्र सिंह जी की है, जिन्हें फाउंडर ऑफ तरुण भारत संघ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पानी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी निगेटिव आपको ढूंढना है। पहला कह रहा है कि पानी एक सार्वभौमिक विलायक है, एकदम सही है कि यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इसमें घुलने की क्षमता है, विभिन्न पदार्थों की यानी विभिन्न पदार्थों को घोलने की क्षमता होती है, ये भी सही हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि पानी का घनत्व अधिकतम 100 डिग्री सेल्सियस, जी नहीं, पानी का जो अधिकतम घनत्व होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। अगर 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। यहाँ थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के बिहाफ पे। क्यों? क्योंकि ये निगेटिव है और पूछ क्या रहा था, निगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि उन जनजातीय समूहों की पहचान कीजिए जो भारत के हिमाचल प्रदेश में राज्य के मूल निवासी, यानी हिमाचल प्रदेश में जो ट्राइब रहती है उस ट्राइब को क्या कहा जाता है, ये बेसिकली आपसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश में आपको गद्दी जनजाति देखने को मिलेगी, यानी गद्दी ट्राइब आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि महामारी के दौरान डॉक्टरों ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की सलाह दी थी, क्यों, इसके पीछे का क्या निर्णय है, डॉक्टर ने क्यों सजेस्ट किया था कि विटामिन सी से भरपूर भोजन करिए। ऑप्शन आपके सामने है, आपको बताना है इनमें से राइट ऑप्शन क्या होगा। तो सबसे ज्यादा महामारी के टाइम पे क्या था, सबसे ज्यादा जरूरी था कि संक्रमण के विरुद्ध हमारे अंदर एक ताकत को बिल्ड की जा सके, यानी हमारे अंदर ये कैपेसिटी हो कि हम संक्रमण के विरुद्ध लड़ सके, यानी यहाँ ऑप्शन नंबर फोर्थ करेक्ट हो जाएगा कि ये संक्रमण के विरुद्ध ताकत प्रदान करता है, कौन, विटामिन सी। तो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। और विटामिन सी किन में पाया जाता है, सभी मेंशन किए गए हैं, आप यहाँ देख सकते हैं, नेम भी मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पाठ्यक्रम के अनुसार छात्रों को हमारे देश के कुछ सामाजिक मुद्दों के प्रति संवेदनशील बनाया जाता है, पहचान कीजिए कि निम्न में से किन सामाजिक मुद्दों को पाठ्यक्रम में लिया गया, यानी जो ईवीएस का करिकुलम डिजाइन किया गया है उनमें कुछ सामाजिक मुद्दों को भी इन्वॉल्व किया गया है। तो किन किन सामाजिक मुद्दों को इन्वॉल्व किया गया है ये आपसे पूछा गया है। पहला है बाल श्रम और वर्ग असमानताएं, जातिगत भेदभाव और दहेज प्रणाली। प्राइमरी लेवल की बात कर रहे हैं, दहेज जहां जहां भी दिया है उसको हटाइए। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत, घरेलू हिंसा भी नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा कि बाल श्रम और वर्ग असमानताएं, इनको क्या किया गया है, करिकुलम में इन्वॉल्व किया गया है ईवीएस के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक शिक्षक द्वारा पूछे गए प्रश्नों के छात्र के उत्तरों का आकलन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी सही रणनीति है, यानी एक टीचर ने क्वेश्चन पूछे हैं, बच्चों ने क्या किए हैं, उत्तर दिए हैं। आप असेसमेंट करना चाहते हैं कि बच्चों के उत्तर कितने ज्यादा ऑथेंटिक हैं, कितने ज्यादा वैल्यूएबल हैं, उनमें क्या नई चीजें हैं, उन्होंने क्या नया एक्सप्लोर किया है, यानी आप एक नया असेसमेंट करना चाहते हैं बच्चों ने जो भी आंसर दिए हैं। तो इनमें से कौन सी रणनीति आप अपनाएंगे, पहला राइट और रॉन्ग मार्क करेंगे आप, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, कभी भी हमें बच्चों के आंसर को राइट और रॉन्ग मार्क नहीं करना। फिर उसके बाद करें क्वालिटेटिवली, सॉरी गुणात्मक मूल्यांकन करना है, कभी भी हम गुणात्मक, हाँ गुणात्मक मूल्यांकन हम करते हैं, बच्चे का गुणात्मक मूल्यांकन किया जाता है, लेकिन क्वांटिटेटिवली अगर यहाँ दिया होता कि हम मात्रात्मक मूल्यांकन करेंगे तो वो गलत हो जाता। फिर कह रहा है स्टूडेंट एक्सपीरियंस शुड बी असेस्ड क्वालिटेटिवली, ये भी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन कौन से होंगे, बी एंड सी, यानी थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यात्रा विषय में पर्वतारोहण में बछेंद्री बाल के अनुभवों को वर्णन शामिल है, इसे शामिल करने के क्या कारण हो सकते हैं, यानी ईवीएस की जो टेक्स्ट बुक है उसमें बछेंद्री पाल के एक लेशन एड किया गया है जिसमें उनके एक्सपीरियंसेस को मेंशन किया गया है, तो इसे मेंशन करने के क्या कारण हो सकते हैं। पहला है कि ये जो चैप्टर है ये जेंडर स्टीरियोटाइप को चैलेंज करता है, ये एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि जब बछेंद्री पाल जी चढ़ाई करने जा रही थी उन्होंने अपने भाई से पूछा तो उनके भाई ने कहा कि नहीं लड़कियां ये काम नहीं करती, तो ये क्या कह रहे हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप को इन्होंने चैलेंज किया पहाड़ों पे चढ़ाई करके, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट हो जाएगा। सेकंड कह रहा है द चैप्टर डिस्क्राइब चैलेंजेस फेस्ड इन स्केलिंग हाई पीक्स, यानी
जो पहाड़ की ऊंची चोटियों पर चढ़ने में जो चुनौतियां होती हैं उनका भी वर्णन किया गया है, तो ये भी हो जाएगा सही। थर्ड कह रहा है कि टीम वर्क के महत्व की व्याख्या की गई है, तो ये भी सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कि ये एक रोल मॉडल प्रस्तुत करता है, ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन करेक्ट है, तो फोर्थ ऑप्शन एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका डिस्टेंस से रिलेटेड है। यहाँ कहा जा रहा है कि मडगांव और नगर कोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है, यानी डिस्टेंस आपको दी हुई है। और टाइम भी दिया गया है कि 21 घंटे लगते हैं उस ट्रेन को तय करने में, वो डिस्टेंस को। यहाँ डिस्टेंस भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, पूछ क्या रहा है स्पीड, तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ आपको फॉर्मूला लगाना है, उसके बाद मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आपको मल्टीप्लाई करना है। राइट ऑप्शन जो होगा वो हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के नक्शे पर 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के बराबर है। इस नक्शे पर फतेह दरवाजा और बंजारा दरवाजा के बीच की जो दूरी है वो 14.2 सेंटीमीटर दी गई है, तो जमीन पर दोनों के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होगी। क्या करना है आपको, सिंपली 14.2 में 110 का मल्टीप्लाई कर देना है, वैल्यू जो भी आएगी उसको आपको कन्वर्ट कर देना है किलोमीटर में, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 1.562 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि इनमें से कौन सा सही होगा। पहला कह रहा है कि यह पेड़ लगभग सामान्य कक्षा की दीवार जितना ऊंचा होता है, एकदम सही है। ये जो रेगिस्तानी ओक होता है ये 10 फीट तक लंबा होता है, तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यह पेड़ अबू धाबी में पाया जाता है, जी नहीं, रेगिस्तानी ओक जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इस पेड़ के तने में पानी जमा हो जाता है और यहाँ के जो स्थानीय लोग होते हैं पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं, ये भी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। थर्ड कह रहा है कि इस पेड़ की जो जड़ें होती हैं वो पेड़ की लंबाई की यानी पेड़ की ऊंचाई की 30 गुना तक नीचे जमीन तक जाती है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस वृक्ष की बड़ी संख्या में शाखाएं पत्तों से भरी होती है, जी नहीं, इनमें बहुत सारी शाखाएं बहुत सारे पत्ते नहीं होते हैं, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन है वो है A, C and D, जो फर्स्ट में दिया गया है फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि एक खेत की मिट्टी के बारे में विचार करें जिसमें एक किसान अपने खेतों में रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की अधिकता का उपयोग करके बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपकी राय में अभ्यास करने से खेती की मिट्टी पर क्या असर पड़ेगा, यानी बार बार उर्वरक का उपयोग करने से खेती जो होती है वो बंजर हो जाती है। यहाँ जो ऑप्शन सही होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, कुछ समय बाद जो जमीन है वो बंजर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का एक उदाहरण है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा, कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या है, एक सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि ईवीएस में सीखने के लिए मूल्यांकन का एक उदाहरण बताइए, असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात कर रहा है, यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान जो असेसमेंट किया जाता है इनमें से कौन सा एक एग्जाम्पल होगा। पहला, छात्र वर्कशीट के माध्यम से भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों का पता लगाएं, एकदम सही है। ये क्या है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान होने वाली प्रक्रिया है, ये है आपका असेसमेंट फॉर लर्निंग। फिर भी हम नेक्स्ट ऑप्शन को देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है एनुअल एग्जाम, एनुअल एग्जाम, यूनिट एग्जाम, हाफ ईयरली, ये मंथली, ये सभी क्या है, ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग के एग्जाम्पल, तो ये हो जाएगा गलत, ये भी हो जाएगा गलत, ये सभी असेसमेंट ऑफ लर्निंग के एग्जाम्पल है। असेसमेंट फॉर लर्निंग पूछा रहा था तो हम फर्स्ट ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कक्षा 8 के जो बच्चे हैं उनको 5 समूहों में वन जीवन के संरक्षण के तरीकों को दर्शाने के लिए एक नाटक का प्रदर्शन किया, उनकी रचनात्मक अभिव्यक्ति और ईवीएस अवधारणाओं की समझ का सबसे उचित मूल्यांकन किया जा सकता है, यानी कक्षा 8 के जो बच्चे थे उन्होंने 5-5 का ग्रुप बनाया और फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए एक नाटक को प्रस्तुत किया, आप उनके नाटक का मूल्यांकन किस तरह करेंगे ये आपको बताना है। पहला कह रहा है पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो से नहीं करेंगे क्योंकि पोर्टफोलियो उनके सभी उनकी समझ का आकलन और उनके प्रदर्शन का आकलन नहीं कर पाएगा, तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। रूब्रिक्स के माध्यम से हम उनका असेसमेंट करेंगे क्योंकि रूब्रिक्स में ईवीएस अवधारणों प्रदर्शन और समझ का आकलन हम कर पाएंगे, तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये रूब्रिक्स, एक रूब्रिक्स दिया गया है, इसकी हेल्प से आप समझ सकते हो कि रूब्रिक्स किस टाइप का होता है, ये बच्चे के सभी तरह के असेसमेंट को इन्वॉल्व करता है।
तो यहाँ हमने टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं, जो 1 जनवरी से लेकर 6 जनवरी के बीच में जो सीटेट का पेपर हुआ था, यानी डिफरेंस शिफ्ट में जो सीटेट के क्वेश्चन पेपर आए थे, उनमें जितने भी ईवीएस के क्वेश्चन आए थे उन सभी को हमने कवर कर लिए। ये पीडीएफ आपको फ्री में मिल जाएगी। कैसे डाउनलोड करना है आपको, आप सबसे पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स ओपन कीजिए, वहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी और आप यहाँ वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एग्जाम तक आपकी सभी इंपॉर्टेंट क्लासेस चलती रहेंगी। थैंक यू।